नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखे की फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री हादसा मामले में एक महिला का शव मिला। यह शव फैक्ट्री के पास एक मकान में मिला है। शव को हरदा अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि शव की हालत इतनी खराब है कि उसे पहचाना भी नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस और प्रशासन शव के पहचान की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। गौरतलब है कि इस हादसे में 217 लोग घायल भी हो गए थे, जिनमें से 95 को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों का अब भी प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत दूसरे शहरों में इलाज चल रहा है। इस बीच प्रशासन ने पूरे जिले में चल रही पटाखा फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने हरदा जिले में संचालित सभी 12 पटाखा फैक्ट्रियों को दिशा निर्देशों के पालन एवं मापदंडों के अनुरूप न होने पर तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। इनमें ग्राम पिपलानी तहसील सिराली की 2 ग्राम, कुंजर गांव तहसील हंडिया की 3 ग्राम, हंडिया की 1 ग्राम, बैरागढ़ तहसील हरदा की 4 ग्राम, रहटा खुर्द तहसील हरदा की 3 एवं ग्राम दूध कच्छ तहसील हरदा की पटाखा फैक्ट्रियां शामिल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को हरदा का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पटाखा कारखाने में हुए हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके साथ ही सीएम यादव ने कहा था कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि त्रासदी के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।